नदी घाटियों की सभ्यताएं, राजा महाराजाओं के युद्ध, बनते बिगड़ते साम्राज्य और ब्रिटिश हुकूमत से आजादी। भारत के हजारों साल के इतिहास में न जाने कितनी कहानियां दर्ज हैं, लेकिन हमारी कहानी भारत के विकास की है, आम लोगों की जिंदगी की है। जिस मुल्क की समृद्धि को देखकर सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत एक बार फिर से सोने की चमक हासिल करने वाला है। ये कहानी स्वर्णिम भारत की है। नमस्कार, स्वर्णिम भारत। आज से हम एक नए, एक बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वर्णिम भारत इसलिए क्योंकि ये देश को तरक्की के शिखर पर ले जाने का सबसे बड़ा संकल्प है, और इस स्वर्णिम भारत का सपना $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से पूरा होने वाला है। $5 लाख करोड़ का यह जादुई आंकड़ा देश के विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है। लेकिन कैसे? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे देश की तस्वीर बदल जाएगी? आखिर देश को इसकी जरूरत क्यों है? आजादी के साथ ही देश का बंटवारा, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, इन चुनौतियों से देश लंबे समय तक जूझता रहा। गरीबी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच देश की अर्थव्यवस्था कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाई। साल 1951 से 1979 तक देश की आर्थिक विकास दर 3.1% थी। उद्योगों का विकास दर 4.5% था। यही हाल खेती का भी था। कृषि विकास दर 3.0 थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में करीब 55 साल लग गए, जबकि चीन तेजी से आगे बढ़ता रहा। अगर हम बात करें कि 1950 से लेके, तो पहले ये क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसमें कि हम ज़्यादा जो विश्वास रखते थे कि एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो 2-3% के बीच में ग्रो करना, तो उसी के ऊपर निर्भर थे, जिससे कि इकॉनमी को कोई अच्छी सेंध नहीं मिल पाई। हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, बहुत सारे क्राइसिस आए, बहुत सारे चैलेंज आए। उस टाइम पे जब 1991 की रिफॉर्म्स हुई हैं, उससे पहले जो क्राइसिस था जिसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी इम्पैक्ट हुआ, उधर से गल्फ वॉर थी, तो तब हमें जाके सोचना पड़ा कि हमें अपनी इकॉनमी को ओपन अप कर देना चाहिए। पैसों की कमी का असर यह हुआ कि विकास से जुड़े कई क्षेत्रों पर जरूरी खर्च नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, सेना जैसे जरूरी क्षेत्र के बजट में कटौती होती रही। ऐसे में हम आम लोगों की जिंदगी कैसे बदल पाते? देश के विकास को रफ्तार कैसे मिलती? ऐसी नीतियां सरकार को बनानी पड़ेंगी जो कि गरीबी को और बेरोजगारी को साथ साथ एड्रेस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आप कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करते हैं, और जब पावर्टी लाइन से लोग बाहर आते हैं, जब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो आप गरीबी की समस्या को भी एड्रेस करते हैं। देश तभी तरक्की करेगा जब देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होगी। $5 ट्रिलियन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये देश की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की वो सीढ़ी है जिसके जरिए भारत के चौतरफा विकास का रास्ता खुलेगा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के जरिए स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने की राह पर निकल पड़े हैं। इस राह में एक बड़ी बाधा COVID-19 महामारी से खड़ी हुई, फिर रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। इन सब के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। 2021-22 में 31.45 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। आज करीब $600 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग, बिजली, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं,
देश के सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट 254.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। देश में 64.6 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। भारत में हर घंटे 37 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। भारत की ओर विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण भारत की एफडीआई रैंकिंग बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का कुल उत्पादन 3 ट्रिलियन डॉलर यानी 220 लाख करोड़ रुपए तक पहले ही पहुंच चुका है। माहौल ऐसा है कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर से आगे 10 ट्रिलियन तक पहुंचाया जा सकता है। हम एक नया इतिहास रच रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहे हैं। हम दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाले हैं। लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हमारा रोड मैप क्या है? इन सारे सवालों से पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसे मजबूत किए बगैर इकोनॉमी मजबूत नहीं हो सकती, और इसके लिए हमारे पास है NIP। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यह देश का वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार किया गया है। 5 ट्रिलियन डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर ही खर्च होने वाला है। NIP जो NIP है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दिस इज द ग्रेट थिंग विच हैज हैपन्ड इन इंडिया। दिस इज वेरी यूनिक एक्चुअली टू सपोर्ट ऑल अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इकोनॉमी को आगे लेके जाता है। इकोनॉमीज मूव विद द स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वाई वी कॉल द एडवांस्ड इकोनॉमीज, वाई वी सी दैट US इज द एडवांस्ड इकोनॉमी, कनाडा इज द एडवांस्ड इकोनॉमी। सो बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ द ingredients like the social sector help and financial sector help, all these things are very much lucrative in these economies for the citizens of their respective economies. So now the NIP, which is very very important, which is important to boost the economic growth and to create the employment opportunities. NIP के 110 लाख करोड़ रुपए infrastructure से जुड़े कई क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इसमें 7,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, जिनसे उद्योग धंधे ही नहीं आम लोगों की जिंदगी भी जुड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती से बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होगा। कंसिडरिंग दैट मोस्ट ऑफ द एलोकेशन ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज इन द एनर्जी सेक्टर, तो उस एनर्जी सेक्टर में जो ग्रीन एनर्जी की बार बार बात की जाती थी, वहां से कृषि क्षेत्र सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रीन एनर्जी का एक तीर से कई निशाने लगाएगी। वातावरण की समस्या का समाधान निकलेगा, इससे एनर्जी कॉस्ट कम होगी, इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इससे कृषि क्षेत्र का जो वेस्ट है, कृषि क्षेत्र को जो एनर्जी चाहिए और कृषि क्षेत्र से निकलने वाले जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सीधा सीधा ग्रीन एनर्जी में काम आने वाले हैं। और मुझे लगता है अगर ये हो जाता है तो भारत के लिए ये जादू की छड़ी का काम करेगा, क्योंकि एक ही तीर से आप बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बड़े पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पीने के पानी तक की योजनाएं शामिल हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत ऊर्जा, सड़क, रेलवे और शहरी विकास को दिया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक NIP फंड का 70% पैसा इन पर खर्च होगा। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे भारत की तकदीर बदलेगी, देखेंगे स्वर्णिम भारत में आगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा यानी एनर्जी की अहमियत सबसे ज्यादा है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए एनर्जी सेक्टर का रोल कितना बड़ा है और इसके लिए क्या किया जा रहा है, पहले ये देखते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिसके पास बिजली उत्पादन की बड़ी क्षमता है। आज देश में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 4,02,817 मेगावाट हो गई है। फिर भी हम बिजली संकट से जूझते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले के भरोसे हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो करीबन 400 गीगावाट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया में है, जिसमें से सोलर करीबन 60 गीगावाट दे रहा है। और हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की पूरी बात करें तो 200 गीगावाट करीबन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग सोलर आ रहा है, विच इंक्लूड्स विंड, हाइड्रो, वेस्ट टू एनर्जी, न्यूक्लियर, एवरीथिंग ऑल पुट टुगेदर। सो दिस परसेंटेज इज अप्रॉक्सिमेटली 40% व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुडे टू द टोटल एनर्जी मिक्स। अगर हम 2030 की बात करें तो ये मिक्स 400 गीगावाट से बढ़ के हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स 800 गीगावाट डबल हो जाएंगी इन द अनदर 8 ईयर्स ऑफ टाइम। और उसमें हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 50% ऑफ दिस विल बी कमिंग फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑल टुगेदर करके। बिजली उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प हमारे पास है। पन बिजली यानी हाइड्रो पावर, सोलर, विंड मिल से लेकर बायोगैस तक से बिजली बनाई जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली उत्पादन का सोर्स तो है ही। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत घटते जाने का असर पर्यावरण पर हुआ है। इसके लिए रिन्यूएबल ऊर्जा यानी सोलर और विंड मिल से बिजली उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में छतों पर लगाई जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना की लागत सबसे कम है। अभी जो प्लान चल रहे हैं कि हमारी टोटल 2070 तक हमने नेट जीरो करनी है, दैट मींस के कोल से जीरो कर देंगे और रिन्यूएबल से 100% और हाइड्रो मिला के 100% हो जाएंगी। आज की डेट में हमारा जो टोटल रिन्यूएबल से एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज़ विंड एंड सोलर एंड बायोमास, बायोगैस, सोरा मिक्स करके, दैट इज़ 30%। तो हम 2030 तक ये 50% तक पहुंच जाएंगे। ऊर्जा की खपत के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। भारत अपनी ऊर्जा की डिमांड का करीब 6% गैस से पूरा करता है। सरकार का लक्ष्य इसे 15% तक ले जाना है। साथ ही गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रेवेन्यू भी बढ़ाना है। देश में इस वक्त करीब 20,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का ऑपरेशनल नेटवर्क है, जबकि 15,000 किलोमीटर से ज्यादा के नेटवर्क को तैयार करने पर काम चल रहा है। सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए 6,00,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। देश की सड़कें शरीर के नसों की तरह होती हैं। इसके जरिए देश का हर हिस्सा सिर्फ जुड़ता ही नहीं, अर्थव्यवस्था में भी तेजी लाता है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त देश में हर घंटे 37 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। देश के विकास में सप्लाई चेन का बड़ा रोल होता है। इसके लिए सड़कें और स्पेशल कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। आने वाले 5 सालों में देश में 11 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे देश में सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा एलोकेशन, और आप, मुझे लग रहा है कोई भी भारतीय किसी भी सड़क पर निकल जाए, कहीं बाहर निकल जाए, अपने शहर से आप बाहर निकलेंगे और आप जैसे ही नेशनल हाईवे पर आएंगे तो आपको वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्टैंप, वो छाप साफ साफ दिखाई देगी। क्योंकि करीब करीब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एलोकेशन हुआ उसमें सबसे बड़ा एलोकेशन वो किया गया है रोड्स पर, रोड्स के बाद रेलवेज पर ध्यान दिया गया है। देश के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ 5,590 किलोमीटर के नेशनल हाईवे न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान करेंगे बल्कि मुश्किल वक्त में देश के काम भी आएंगे। इन पर कार, ट्रक के साथ साथ फाइटर जेट भी लैंड किए जा सकते हैं। इसके अलावा देश में राष्ट्रीय राजमार्ग को 2,00,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, 2025 तक 220 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम बनाकर दूरियों को कम करने का सपना भी भारत तेजी से पूरा कर रहा है।
इस सपने को पूरा करने के लिए साल 2025 तक मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का आधार रही है और कृषि को नजरअंदाज करके देश की तरक्की नहीं हो सकती, और इसलिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कृषि का रोल अहम होने वाला है। कृषि और किसानों के विकास के लिए बड़ी योजनाओं पर काम हो रहा है। सरकार नकदी फसल और एग्री एक्सपोर्ट को मजबूत करने में जुटी है। कृषि उत्पादों का निर्यात $30 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन तक ले जाना है। फार्मर्स को यहाँ पे काफ़ी फायदा है लाने पे साइलोज पे एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मंडी में जाने से। साइलोज में आने से कम 2000 रुपये का फायदा है और एक घंटे के अंदर ही वो यहाँ से अपना खाली होके चला जाता है। और जो हम उसको एक रिसीट देते हैं कि हमने आपका ग्रेन इतना रिसीव कर लिया यहाँ पे, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स FCI को जमा होता है और FCI उसको पेमेंट उसके अकाउंट में पे करती है। कई नए प्रोजेक्ट्स, कई नई योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाने के लिए एक योजना PM गति शक्ति शुरू की गई है। गति शक्ति योजना से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत खर्च होने वाले 110 लाख करोड़ रुपए के सभी प्रोजेक्ट्स में तालमेल बिठाना है, उन्हें सही दिशा देना है। इस मिशन के तहत सरकार के 16 मंत्रालयों को साथ लाया गया है। उसके बाद के कैसे इनको कनेक्ट किया जाए, इनको गति कैसे दी जाए, तो सरकार ने एक गति शक्ति योजना घोषित की, जिससे कि जितना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पूरे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करके उसको गति देगा एक इंजन बन के। तो ये सरकार का लक्ष्य है और यहाँ पे हम रुक नहीं रहे हैं। वी विल मूव फॉरवर्ड, वी हैव लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन अवर किटी, द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, देन द थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स। वी विल मूव विद मोर एंड मोर एडवांस्ड रिफॉर्म्स टू बिकम एन एडवांस्ड इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये तो सिर्फ एक झलक थी, हम आपको पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हासिल करने के लिए जमीन पर काम हो रहा है, लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर हो रहा है, सपने कैसे हकीकत में बदल रहे हैं। अगले एपिसोड में हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे और दिखाएंगे बदलते भारत के विकास की कहानी। ABP News आपको रखे आगे।